दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल सफेद संगमरमर से बना एक मकबरा है, जिसको मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में 1632 में बनवाया था। तब से लेकर आज तक ताजमहल वैसा का वैसा ही स्थित है। लेकिन कुछ लोग ताजमहल के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप भी ताजमहल के मालिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ताजमहल के असली मालिक कौन है। दोस्तों, ताजमहल की देखरेख भारत सरकार के द्वारा की जाती है, लेकिन 1983 में यूनेस्को के द्वारा ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। विश्व धरोहर घोषित करने के कारण हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ घूमने और ताजमहल को देखने आते हैं। कुछ लोग ताजमहल को रोजा ए मुनव्वर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है जगमगाता मकबरा। ऐसा माना जाता है कि रोजा ए मुनव्वर ताजमहल का असली नाम है, तो कुछ लोग ताजमहल का असली नाम तेजो महले भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल का असली नाम ताजमहल ही है। सभी लोगों को ताजमहल के असली नाम के बारे में अलग-अलग मत है, लेकिन आज के समय में ताजमहल को ताजमहल के नाम से ही जाना जाता है। खैर, जो भी हो, ताजमहल का असली नाम क्या है, ये बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि ताजमहल का असली मालिक कौन है। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल का असली मालिक महाराजा जय सिंह थे, तो कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल का असली मालिक शाहजहां ही है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है। इसके बाद पता चल जाएगा कि ताजमहल का असली मालिक कौन है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।